नमस्कार दोस्तों, हकीन क्रेज सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोचेज में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्वैपिंग किस तरह से कर सकते हैं विदाउट द यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल। आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने वेरिएबल्स को स्वैप कराया विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो अगर आपको सीखना है कि हम विदाउट द यूजिंग थर्ड वेरिएबल किस तरह से दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं तो वीडियो आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा कि अपने को क्या करना है। अपने को पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, अपने को पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, और हम किस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h ये दोनों के दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड करने होंगे, और उसके बाद बनाना होगा अपने को मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन इज दैट फंक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पर मेन फंक्शन भी लिख दिया है। उसके बाद दो वेरिएबल को हमको आपस में स्वैप करना है, तो उसके लिए ए और बी दो वेरिएबल हमने मान लिए हैं। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इन दोनों वेरिएबल्स को यूज़र से लेना है, और दोनों वेरिएबल को यूज़र से लेने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ कर देते हैं, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, और यूज़र से उसको वैल्यू ले लेते हैं, ए में स्कैन करा लेते हैं, इसी तरह से दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, बी में स्कैन करा लेते हैं। और जब दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो उसके बाद हम एक लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और उस लॉजिक के थ्रू क्या होगा, हमारी वैल्यू आपस में स्वैप होंगी। आइए समझते हैं उस लॉजिक को, वो कि लॉजिक है क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लॉजिक लिखा हुआ है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, और बी इक्वल टू ए माइनस बी, और सी इक्वल टू ए माइनस बी। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सीधे से समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी वैल्यू स्वैप हो रही हैं। हम वैल्यू को आपस में जोड़ के और घटाकर उन दोनों वैल्यू को ए और बी में स्टोर करा रहे हैं। चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। पहले जो भी इसका आउटपुट होगा वो हम इसको ए और बी की जो वैल्यू स्वैप्ड होंगी उन दोनों स्वैप्ड वैल्यू में पहुंचा देंगे, और लिख देंगे जो पहली वैल्यू है वो ये है स्वैपिंग के बाद, और दूसरी वैल्यू ये है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वैल्यू इज दिस एंड सेकंड वैल्यू इज दिस, और उसके बाद उसको ए और बी में जो भी वैल्यू स्टोर है उनको डिस्प्ले करा दिया, गेट सी एच अप्लाई कर दिया। आइए इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलेशन के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे जीरो एरर है, कोई एरर नहीं है, और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो रनिंग कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर वो पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पर पहली वैल्यू दी 18 और दूसरी वैल्यू दी मैंने यहाँ पर 9, और आफ्टर द स्वैपिंग फर्स्ट वैल्यू हमारी हो गई 9 और सेकेंड वैल्यू होगी 18, यानी कि जो भी हमारा लॉजिक था वो लॉजिक एकदम सही था। लॉजिक एक बार और दोबारा से देख लेते हैं जिससे कि अपने को समझ आए। इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी, और ए इक्वल टू ए माइनस बी, इस लॉजिक के थ्रू हमने इस काम को परफॉर्म किया है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर का हमने यूज़ किया इस प्रोग्राम में, और किस तरह से यूज़र से वैल्यू ली स्कैन करा के, स्कैन एफ करके हमने यूज़र से वैल्यू ली है, और उसके बाद फंक्शन या फार्मूला यूज़ कराए, और फाइनली हमने जो भी हमारे फॉर्मूले का आउटपुट आया उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद उसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रोग्राम था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक हिट कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको इसी तरह का स्टेप प्रोवाइड कराता रहूं। और अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग और अदर प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग भी, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी आपको वीडियो चाहिए मेरे से, तो आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।